वैल well, अब तक तीन चार क्लासेस हो चुकी हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की और आज की क्लास ऑपरेंट कंडीशनिंग की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ बेहद ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को के बारे में जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना ताकि हम ऑपरेंट थ्योरी का एप्लीकेशन प्रॉपरली कर सकें तो बिना वक्त गवाए चले शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास और लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम शिवान है और आप देख रहे हैं माई क्लासरूम। वेल आपने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल चलना फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से मिल के मुस्कराना फिर हैंड शेक करना फिर कोई आपको हेलो बोल रहा होगा तो आप उसका रिप्लाई हाई से कर रहे होंगे कोई आपसे पूछ रहा होगा आप कैसे हैं तो आप उसका रिप्लाई मैं ठीक हूँ करके कर रहे होंगे या फिर साइकिल चलाना या कार चलाना या बाइक चलाना या एरोप्लेन चलाना ट्रेन चलाना कुछ भी कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था अनजान इंसान के लिए वो करना आपने सीखा होगा कभी सोचा है कि मैंने सीखा कैसे है इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि चलिए हम लोग अपनी क्लास में सीखेंगे कि सीखने को सीखते कैसे हैं तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के पीछे जो बहुत गहरा रास छुपा है जिसको उजागर किया है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बानी यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के, के थ्योरिस्ट स्किनर ने तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग काम कैसे करती है उसका मैकेनिज्म क्या है और अब तक मैंने जो बातें कही वो कैसे अप्लाई होती हैं mm -hmm. कोई भी चीज़ सीखने से पहले हम क्या क्या चीज़ करते हैं कैसे कैसे चीज़ हम सोचते हैं वो हम अब सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल चलिए हम बात कर लेते हैं चलने के बारे में केबल मैन के बारे में या कोई भी चीज़ जो आपने सीखा होगा बचपन में अगर कोई आपको सिखाए ना उंगली पकड़ के कोई आपको चलाए ना तो कितना वक्त लग जाता है लग सकता है आपको सीखने में शायद बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा या हो सकता है लाइफ टाइम भी लग जाए लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल हम लैंग्वेज सीखते हैं ना लैंग्वेज कैन नेवर बी टॉट इट कैन ओनली बी कॉट हम लोग अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं भाषा को और भाषा कैसे सीखते हैं अगर कोई हमारे चारों तरफ बोले ही ना तो क्या हम भाषा सीख पाएंगे बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे इसी सब सवालों का जवाब देते हुए हमारे थ्योरिस्ट स्किनर ने सबसे पहला जो टर्म दिया है वो है शेपिंग का जी हाँ शेपिंग शेपिंग एक्चुअली है क्या अकॉर्डिंग टू स्किनर बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं बहुत सारे लर्निंग होती हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं जिसको अगर सिखाया ना जाए बताया ना जाए तो वो जो है बच्चा सीख ही नहीं सकता है एक्चुअली थ्योरी क्या करती है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बात करती है उन प्रिंसिपल के बारे में कि अगर आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो आप पहला रिस्पॉन्स उसके तरफ पॉजिटिव दिखाएंगे तो आपको स्टिमुलस मिलेगा और इसी तरह से आप पॉजिटिव दिखाएंगे फिर स्टिमुलस मिलेगा याद है कबूतर वाला एग्जांपल मैंने दिया था है ना तो पहला आपको जो है पॉजिटिव दिखाना फिर आपको जो है स्टिमुलस मिलेगा लेकिन ऐसा क्या हो अगर ऐसा ये हो कि कोई ऐसा बंदा है वो या कोई स्टूडेंट है या कोई चीज भी है जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं वो पहला रिस्पांस सही दे ही ना और शायद पहला रिस्पांस का अगर आप इंतजार करते रह जाएं, तो 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 क्या हो तो क्या हो पहला इन रिस्पॉन्स का अगर आप इंतजार करते रह जाए तो शायद पूरी जिंदगी बीत जाए वो पहला रिस्पॉन्स आपका सही आए ना यानी फर्स्ट गुड स्टेप टूवर्ड्स द लर्निंग आए ना तो इसलिए शेपिंग का काम सामने आता है शेपिंग क्या होता है कि आपके करेक्ट रिस्पॉन्स की बात नहीं होती है आपके उस रिस्पॉन्स की बात होती है जो करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ पहला उठने वाला कदम है यानी कि बच्चा बोलने से पहले बाबा बाबा बैबलिंग करता है मम्मा मम्मा करता है दादा दादा करता है इसको लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे इसको भाषा नहीं कहेंगे इसको बोली नहीं कहेंगे लेकिन बाबा बाबा से माँ बाप खुश हो जाते हैं और उसको और सिखाते हैं और उससे और बात करते हैं जिससे बच्चा सीख जाता है एग्जाम्पल ले लेते हैं टेबल मैनर्स की टेबल मैनर्स का आप इंतज़ार करते रहें कि बच्चा इतने से सीखेगा तो टाइम लगेगा टाइम शायद पूरा ज़िंदगी लग जाए तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रिस्पॉन्स जो सही हो रिस्पॉन्स हो उसके तरफ बढ़ने वाला पहला कदम अगर बच्चा बढ़ा रहा है तो वहीं पर आपको स्टिमुलस दे देना है बाबा बाबा कर रहा है बच्चा आपने स्टिमुलस दे दिया उसको स्टिमुलस मतलब आपने उससे बात कर लिया वहां पर आपने उसको गुड कह दिया या कुछ भी है टेबल मैनर्स के मैटर में है ना, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी नहीं चल पाएगी. भर तक छोड़ दे उसकी पुष्टे पार हो जाए लेकिन वो एट के फिगर पे कभी नहीं चल पाएगी तो हम एज अ थ्योरिस्ट स्किनर एज अ थ्योरिस्ट उन्होंने क्या किया कि उसके फर्स्ट रिस्पांस के तरफ उठने वाला फर्स्ट कदम को उन्होंने री यानी कि उन्होंने उसको रिवॉर्ड दिया यानी स्टिमुलस दिया यानी एट के फिगर के चल के तरफ चलने के लिए उसका पहला कदम होना चाहिए था कि एट के फिगर के जो उसका जो बॉर्डर है उसके ऊपर वो कदम रखे ये पहला सा करेक्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए लेकिन वो उसका इंतज़ार जमाने तक कर लिया जाए तब भी ना पॉसिबल है तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही पिजन ने एट के फिगर के बॉर्डर की तरफ देखा उसको स्टेबल दिया फिर उसने दोबारा देखा फिर स्टिमुलस दिया तिबारा देखा फिर स्टिमुलस दिया चौबारा देखा फिर स्टिमुलस दिया और जब उसने पहला कदम उसके तरफ बढ़ाया एट के फिगर के बॉर्डर के ऊपर फिर स्टिमुलस मिला फिर बढ़ाया फिर स्टिमुलस मिला फिर बढ़ाया तो और ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर स्टिमुलस हर रिस्पॉन्स पे दे रहे हैं है ना मैंने बताया था ना कि रेगुलर स्टिमुलस इज नॉट करेक्ट आपको जो है एक सरप्राइज एलिमेंट रखना है ठीक है तो उसने चार बार मुंह अपना जो है एट के फिगर की तरफ डाला तो उसको दो बार स्टिमुलस मिला फिर उसने देखा कि अब मुझे स्टिमुलस नहीं मिला तो उसने एट के फिगर की तरफ कदम बढ़ाया तो उसको फिर से स्टिमुलस मिला फिर कदम बढ़ाया तो उसको फिर से स्टिमुलस मिला और फाइनली ये स्टिमुलस के जोर पे उसने एक पिजन को यानी एक कबूतर को जो है आठ के फिगर के ऊपर चलना सिखा दिया कंग्रेचुलेशन कबूतर इज नॉट रेडी टू वॉक ऑन द फिगर ऑफ एट इसी तरह से हर एक बिहेवियर को कंडीशन करने के लिए उस सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम यह कर सकते हैं कि हर एक रिस्पॉन्स उठने वाला पहला कदम को जो है हम उठने वाले पहले कदम को हम क्या कर सकते हैं हम रिवॉर्ड दे सकते हैं उसको स्टिमुलस कर सकते हैं हम उसको री कर सकते हैं इससे लर्निंग जल्दी होगी तेज होगी और सही होगी है ना इसी के बारे में विगोस्की ने बात किया था इसी को विगोस्की ने अपने शब्दों में कहा है जोन ऑफ ओ सॉरी एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर तो अब हम दूसरा टेक्निक जानेंगे उसका नाम है चेनिंग चेनिंग की अगर बात करें तो इसको समझिए देखिए क्या होता है कि कोई भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव होती है उसको जब हम तोड़ देते हैं और तोड़ करके एक ऑब्जेक्टिव एक एक दो चीज होती है एक एम होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है एम क्या होता है ऑब्जेक्टिव एक एक ऑब्जेक्टिव करके जब हम पार्क करते जाते करते जाते करते जाते तो फाइनली हम कहां पहुंचते हैं अपने एम पे एम इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑब्जेक्टिव आर द स्टेप्स टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन उसी तरह से चेनिंग भी है लेकिन इतना सिंपल नहीं है थोड़ा सा तो इसमें कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ कॉम्प्लेक्स ये है कि कोई भी रिस्पॉन्स जब हम करते हैं मैंने जैसे बताया शेपिंग में फर्स्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ उठने वाला स्टेप को हम रिनफोर्स करते हैं स्टिमुलस से फिर वो स्टिमुलस की वजह से दोबारा हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ उठने वाला सेकेंड स्टेप लेते हैं फिर उसको रिनफोर्स करते हैं स्टिमुलस के इसी को कहते हैं चेनिंग मतलब फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव स्टेप यानी फर्स्ट डिजायरेबल स्टेप वो स्टेप जो आप चाहते हैं वो बच्चा अगर ले रहा है तो आपको स्टिमुलस देना है तो फर्स्ट स्टेप की वजह से उसको स्टिमुलस मिला स्टिमुलस की वजह से वो दोबारा क्या किया सेकेंड पॉजिटिव स्टेप लिया डिजायरेबल स्टेप लिया टूवर्ड्स लर्निंग सेकेंड डिजायरेबल स्टेप की वजह से, वो लिया, की से फिर उसको मिला. Yarni, step, से stimulus, फिर स्टिमुलस उसको डिजायरेबल स्टेप किसकी वजह से स्टिमुलस फिर स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स फिर रिस्पॉन्स की वजह से स्टिमुलस एंड दिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे मिलते हैं मैं आपकी तरफ़ हाथ बढ़ाता हूँ आप मुझसे हाथ मिलाते हैं और पूछते हैं आप कैसे हैं ठीक है ऐसा तो नहीं होता कि मैं आपकी तरफ़ हाथ बढ़ाऊँ तो आप जो है हाथ ऊपर करके दौड़ने लगे पिखे हो के ऐसा भी नहीं होता कि आप ज़मीन पर गुलाटियाँ मारने लगे यह भी नहीं होता कि आप कूदने लगे या अगर मैं आपसे पूछता हूँ हेलो हाँ कैसे हैं आप ऐसा तो भी तो, तो नहीं होता कि आप जो है मुर्गा बन जाएँ हैं ऐसा नहीं होता ना आप कहते हैं मैं ठीक हूँ हाथ बढ़ाऊँगा तो आप हाथ मिलाएंगे तो मेरा फर्स्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है आपसे मिला तो मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाया आपने मुझे हाथ बढ़ाया वो मेरे लिए स्टिमुलस है उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आपसे पूछूंगा आप कैसे हैं तो आपका जवाब क्या होगा मैं ठीक हूं तो मैं मैंने पूछा आप कैसे हैं ये मेरा रिस्पॉन्स था आप और मेरा स्टिमुलस क्या था कि आपने जब कहा कि मैं ठीक हूं तो कैसे बना फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है हाथ बढ़ाना रिस्पॉन्स आपका हाथ बढ़ाना मेरे लिए स्टिमुलस। उस स्टिमुलस की वजह से मेरा आपसे पूछना कैसे है, है आप रिस्पॉन्स उस रिस्पॉन्स की वजह से आपका कहना मैं ठीक हूं स्टिमुलस। तो इस तरह से चेन बनती है स्टिमुलस पॉजिटिव डिजायरेबल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टिमुलस इक्वल्स टू डिजायरेबल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टिमुलस इस तरह से चेन बनती है अब मान लीजिए कि मैं मैंने आपके तरफ हाथ बढ़ाया आप हाथ ना मिलाएं आप उल्टा पैर करके चले जाएं तो क्या मुझे स्टिमुलस मिलेगा क्या आप स्टिमुलस क्या था हाथ बढ़ाने से आपका हाथ था तो क्या मुझे आपका हाथ मेरे हाथ में मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो मेरा आने वाला था कि आप कैसे हैं क्या वो मैं कभी पूछ पाऊंगा नहीं पूछ पाऊंगा तो यहाँ पर क्या हुआ चेन टूट गई इसी को कहते हैं हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स चेन इसी को स्किनर कहते हैं चेनिंग थर्ड हमारा आता है क्यूइंग या डिस्क्रिमिनेशन आपके पास फोन होगा मैं एक फ़ोन का एग्जाम्पल देता हूँ फोन से आप क्या करते हैं फ़ोन करते हैं मैं बात कर रहा हूँ लैंडलाइन फ़ोन का है ना लैंडलाइन फ़ोन से आप क्या करते हैं सबसे पहले फ़ोन उठाएंगे कान में लगाएंगे फिर नंबर डायल करेंगे इसके बीच में कुछ होता है सोचिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जी हाँ अगर नहीं सोच पाए तो मैं बताता हूँ होता है आप कान में इसे लगाते हैं ताकि आप सुन सकें कि क्या उस फोन में आत्मा है जिंदा है या नहीं था ना फोन डेड हो गया फोन डेड हो गया फोन डेड हो गया ये बात सुनी होगी शायद आपके घर में होगा मेरे घर में आज भी तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्यूइंग क्यूइंग के माने लाइन क्यू माने लाइन लगाना और यह लाइन क्या है लाइन ऑफ रिस्पॉन्सेज सबसे पहले मैंने फोन देखा ओह फिर मुझे याद आया अरे मुझे तो अनम को फ़ोन लगाना है अरे मुझे तो निखिल को फ़ोन लगाना है अरे मुझे तो इनाक्षी को फ़ोन लगाना है तो मैंने उठाया फ़ोन और फ़ोन उठा करके मैंने क्या सुना सबसे पहले कॉलर ट्यून right. सुना कॉलर टोन सॉरी डायलर टोन हाँ राइट डायलर टोन सुना डायलर टोन था उसके बाद मैंने क्या किया नंबर लगाया नंबर लगाया और फिर मैंने बातें की तो यह क्यों ही अब आप सोचेंगे इसमें क्यूंग क्या है बिल्कुल है अगर मुझे फ़ोन नहीं दिखता या मेरे घर में फ़ोन ही नहीं होता तो भले मैं कितना भी याद कर लूँ आप लोगों को तो क्या फ़ोन कर पाता दूसरा अगर मैं फ़ोन उठा करके उसको सुना अगर उसमें डायलर टोन नहीं होता तो क्या मैं फ़ोन लगा लें भले ही मैं आपकी याद में मरा जा रहा हूँ लेकिन क्या मैं फ़ोन लगाता नहीं लगाता बिल्कुल भी नहीं लगाता क्योंकि फोन ही नहीं जिंदा है वो तो मरा हुआ है वो तो मुर्दा है वो तो डेड है तो कैसे लगाता समझ में तो इसको कहते हैं क्यों एक रिस्पॉन्स उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद है ना? इंडिकेशन आपको मिलते रहेगा कि अब अगला करना अगला करना अगला करना समझ में उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन <coughs> डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है जैसे मैंने कहा अगर फ़ोन ही नहीं होता मैं क्या करता जैसे मैंने कहा कि अगर फ़ोन मैंने उठाया डायलट होनी नहीं आता तो मैं क्या फ़ोन तब भी लगाता हेलो हेलो फ़ोन लगाता नहीं लगाता मैं रन रख देता अब मैं बैठ जाता और शायद इंतज़ार करता कब फ़ोन ठीक होगा कब तो मैं बात करूँगा समझ में आया ना तो वहाँ पर क्या हो रहा मुझे डिस्क्रिमिनेशन में क्यों कर रहा क्योंकि मुझे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आगे जाऊँ है ना जैसे सिग्नल पर खड़े होते हैं ना सबसे पहले क्या होता है एक सिग्नल होता है आप रुक जाते हैं फिर दूसरा सिग्नल आता है फिर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं कि आपको सिग्नल मिला क्या कोई ये करना कोई आपको कान में आके नहीं कर रहा हैलो हेलो डू दिस ओ माई जो ओ माई ओह सर आप ये कीजिए ओह मैम आप ये कीजिए कोई नहीं आ रहा है आपको कहने के लिए या फिर कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं डाल रहा है कि सर आप गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए आप खुद कंडीशन हो किसकी वजह से उस इंडिकेशन की वजह से तो आप इंडिकेशन देख रहे हो ये लाइट बजी ये लाइट जली तो रुकना है ये लाइट जली तो गाड़ी स्टार्ट करना है ये लाइट जली तो लेकिन निकल लेना राइट तो दिस वाट कॉल क्यों ही और अगर ये लाइट जलने के बाद कोई लाइट ही ना जले हो सकता है उड़ जाए फ्यूज़ उड़ जाए तो क्या होगा आप क्या करोगे आप क्या करोगे आप थोड़ा देर वेट करोगे फिर गाड़ी स्टार्ट करोगे निकल लोगे अब आप गाड़ी स्टार्ट करके वेट नहीं करोगे टेन नाइन एट सेवन नहीं देखोगे आप सीधा स्टार्ट करके निकल लोगे राइट तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूइंग एंड डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन में आपको इंडिकेशन नहीं मिलता कि आप आगे जाइए और क्यूइंग में आपको इंडिकेशन मिलता है इसलिए आपका लाइन ऑफ रिस्पॉस क्रिएट होता चला जाता है अब अगला पॉइंट आ रहा है हमारा पॉजिटिव सॉरी री एंड पनिशमेंट देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डालना है नेगेटिव रीनफोर्समेंट और सॉरी uh, री और पनिशमेंट के बारे में भी ये मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है जनरलाइजेशन देखिए जनरलाइजेशन में आपको समझने से पहले आपको तीन चीजों को पहले समझना पड़ेगा वन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड देर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्री जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है जब आप साइकिल चलाना सीखें उसके बाद आप बाइक चलाना सीखें तो आपको कम वक्त मिलेगा कम वक्त लगेगा उसके मुकाबले जो साइकिल चलाना तो जानते ही नहीं सीधा बाइक पे आके चलाने लगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर क्या है साइकिल चलाना आपको बाइक चलाने में मदद करे तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मान लीजिए आपने अमेरिका में कार चलाना सीखा राइट वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग आप इंडिया आ गए इंडिया आके कार चलाना सीख रहे हैं या कार चलाना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है कार चलाने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपको अमेरिका वाला लेफ्ट हैंड से कार चलाने की आदत थी और अब जो है यहाँ पर इंडिया में राइट हैंड साइड में कार चलाना है तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यानी पिछली लर्निंग आपकी नई लर्निंग में जब बाधा डाले जब प्रॉब्लम क्रिएट करें तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अगर आप राइट right हैंड से हैं या राइट right हैंड से लिखते हैं अचानक से मैं आपको कह रहा लेफ्ट हैंड से लिखिए तो आपका राइट right हैंड से लिखना की वजह से आपका लेफ्ट हैंड से लिखना आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अगर आप बचपन से लेफ्ट हैंड से लिखते होते तो आप लिख सकते थे लेकिन बचपन से अगर लेफ्ट हैंड से लिखते होते तो राइट हैंड से लिखना आपके लिए परेशानी होती क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड से लिखने की वजह से आपको बाधा पहुंच रही है ताकि आप राइट हैंड से इस वजह से नहीं लिख पा रहे हो समझ में आया अब जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो क्या होती है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो होती है जिसमें ना ही आपको बाधा पहुंचाए ना ही आपको क्या है ना ही आपको जो है आ, आसानी पैदा करे जैसे साइकिल और बाइक वाले मामले में आसानी पैदा हुई और कार वाले मामले में और राइटिंग वाले मामले में बाधा पहुंची तो ये दोनों चीज़ ना हो यानी वहाँ पर कोई फ़र्क ही ना हो कि आप सीखे हो या ना सीखियो तो इसको हम क्या कहेंगे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसी कंसेप्ट को बेस करके बनाया गया है जनरलाइजेशन यानी कि एक सिचुएशन की लर्निंग को हम दूसरे सिचुएशन में जिस तरह से अप्लाई करें उसको कहते हैं जनरलाइजेशन बच्चों के कंटेक्ट में बता दूं कि जैसे कि एक बच्चे को आपने सिखाया कि बेटा नाइन एप्पल में से अगर फाइव एप्पल माइनस करेंगे तो कितना बचेगा फोर वन टू थ्री फोर फोर एप्पल बचेगा बच्चा आप क्या करेगा कि नाइन क्यू यानी नौ खीरे में से चार खीरा माइनस करेगा सॉरी नौ खीरे में से पांच खीरा माइनस करेगा तो चार बने बच्चे का ये चीज़ आपने नहीं सिखाई बच्चे ने खुद किया यानी वहाँ की लर्निंग उसने यहाँ पर ट्रांसफ़र की यानी जनरलाइज किया लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप जनरलाइजेशन बच्चों को सिखा रहे हैं या फिर जब आप चीज़ों को कंसेप्ट को बच्चों को सिखा रहे हैं जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं को सिखा और फोर लेग एनिमल्स आर का इस तरह की चीज़ें नहीं सिखानी ऐसा जनरलाइजेशन नहीं बनाना है जिसमें बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम हो क्योंकि फोर लेग एनिमल वाले डॉग भी होते हैं हॉर्स भी होते हैं एस भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे एनिमल फोर लेग्ड होते हैं ज़्यादातर तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा अरे ये तो गाय है ये भी गाय है ये भी गाय है ये भी गाय है गाय 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 है ना तो हर जगह गाय माता हो जाएंगी तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा अब बच्चे को क्या करना है कि बच्चे को प्रॉपर स्पेसिफिकेशन सिखाना है कि ये गाय है इसके चार पैर है इसका ये है इसका ये इस वजह से ये गाय है ये भैंस है ये घोड़ा है ये गधा है इसका ये है इस वजह से ये इसको घोड़ा या इसको गदा या इसको जो भी बोला जाता है तो मुझे उम्मीद है आपको जनरलाइजेशन समझ में आ गया होगा और अब तक आपको क्वेश्चन भी मिल गया होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो मैंने मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेंट कंडीशन आपको समझाई है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा अगली क्लास में हम करेंगे इम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी इन क्लासरूम और हाँ क्वेश्चन आपको मिल गया होगा उसका जवाब दे दीजिएगा याद रखिएगा री और पनिशमेंट के बारे में भी आपको लिखना है और हाँ वीडियो को यार शेयर किया कीजिए देखा कीजिए और शेयर भी किया कीजिए उन तक जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करें ताकि हमारा थोड़ा व्यूअरशिप बढ़े है ना तो Till the next time, have a great smile on your face, stay healthy, stay happy, stay clean. Sayonara. Thank you.